नमस्कार भाई और बहन। भाई और बहन, आप इस वीडियो में सीखोगे कि हम फ्रेश लैपटॉप या नए लैपटॉप के अंदर या मोबाइल के अंदर कैसे हम इंटरनेट को कनेक्ट करें, वाईफाई इंटरनेट कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका वाईफाई नहीं है, तार वाला है, तो तार आपको यहाँ पर लगाना है। तार इधर होता है, तार का जो एक पोर्ट देते हैं यहाँ पर, उसको कहते हैं कैट 5 कनेक्टर। अगर आप वाईफाई कनेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे कनेक्ट करेंगे, आपको ये जो आप देख रहे हो ये जो है वाईफाई का एंगल है, इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये ऐसे ओपन होगा। ये आपके राउटर वगैरह या आपके मोबाइल को कनेक्ट कर, मैं अभी मोबाइल से कर रहा हूँ, तो हमने इसको डबल क्लिक करना है। इसके बाद इस पर हमने पासवर्ड डालना है, जैसे मैंने पासवर्ड डाला है, और इसको पासवर्ड को हाइड करना है और ऐसे ओके करना है। तो ऐसे हम वाईफाई इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं। तो अभी आप देखोगे मेरा नेट जो है चल गया है, तो मैं साइट खोल कर दिखाता हूँ। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कि हम कैसे वाईफाई इंटरनेट को कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं। वाईफाई के लिए आपके कंप्यूटर में वाईफाई कार्ड होना चाहिए, तभी वो कनेक्ट हो सकता है। और अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप के अंदर कनेक्ट हो। ये आपने देखा कि ये हमने इंटरनेट चल रहा है, हमारी साइट खुल गई है। तो ऐसे हम नए लैपटॉप या नए कंप्यूटर के अंदर वाईफाई को इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छी वीडियो बना सकूँ। जय हिंद, जय भारत।